फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल लिविंग वाइज थिंकिंग। और आज के वीडियो में मैं अपना पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आप सबके साथ शेयर करूंगी। आई विल शो दैट व्हाट आई हैव डन इन दिस संडे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी डेफिनेटली बाहर जाने का मन करता है। हम लोग सोच रहे थे कि फ्राइडे बाहर खाने जाएंगे, बट देन वी डिडंट गो। और आज बहुत खराब मौसम है, जैसे इतना बारिश नहीं हो रहा है पर हल्का हल्का बारिश गिर रहा है, पर बहुत गर्मी है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी अक्टूबर चल रहा है, सो फॉल सीजन स्टार्ट हो चुका है। सो द ट्रीज आर टर्निंग टू चेंज देयर कलर, और बहुत सुंदर लगता है। और हम लोग हर वक्त ये डाइनर पे ही आते हैं, ये बहुत ही नज़दीक है हम लोग के घर से। और हम लोग बहुत लेट से आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, शायद अब 10:15 हो चुका है। और मुझे पता है आज करवा चौथ है, पर हम लोग बंगालीज में करवा चौथ नहीं होता है, एंड आई डोंट नो एनी ऑफ द रिचुअल्स। मैंने शायद एक ही बार करवा चौथ किया था, दैट टू लाइक मेरी बहुत सारी सहेलियाँ थी फ्लैट में, सो दे मेड मी डू इट। उसके बाद मैंने कभी भी नहीं किया क्योंकि बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। सो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि विलेज के शॉप में जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीदना है, लाइक बहुत ही थोड़ा कुछ खरीदना है। और अभी हेलोवीन के लिए बहुत सारा सामान आ चुका है, राय बहुत एक्साइटेड हो जाती है ये सब देख के। तो एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो नया हम लोग खरीदते ही है। पर मैं हाँ अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ओनली आफ्टर दिवाली आई विल पुट ऑल दिस। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दिवाली से पहले ये सब घर के बाहर लगाने को। And the kids are they are crazy about this paddy, pata nahi kya hai, itna crazy hai bachcho ke andar ye paddy ko leke। Aaj mujhe lunch banana hai aur Sunday hai to definitely main special banati hu, because nahi to Monday se Friday hum log bahut hi sirf dinner hi acche se karte hai, wo bhi hum log itna kuch nahi karte hai, we eat a very light dinner, so Sunday lunch is very special। और अभी Sunday है तो चाय बना रही हूँ और मेरी मम्मी का साथ भी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत आई थिंक सो दो रोज हो गया है आई डिडंट टॉक टू हर। और फिर मुझे लंच के लिए भी तैयारी करना है। और यहाँ राय थोड़ा प्रैक्टिस कर रही है, Now for everything you need practice, और उसके like her teacher told her that ऐसा करके राय को practice करना है, इससे अच्छा होगा like उसका serving अच्छा होगा। तो हम लोग ने घर पर ही बना के दिया है so that she can practice, और हम लोग भी इससे कभी कभी खेलते ही रहते हैं, so ये अभी अच्छा time pass हो गया है हम लोग का घर के लिए। और हर वक्त मेरे हबी चाय गिराते हैं, पर आज मैंने चाय गिरा दिया, और चाय गिरते इसमें गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अभी खाना पकाने जाओ तो लाइक टोटली इट विल गेट बर्न। सो पहले मैं इसको साफ कर दूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट कुकिंग। और आज का वेदर बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ह्यूमिड है क्या बोलूँ। तो पहले मैं एक चिकन का आइटम प्रिपेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ही सिंपल चिकन है। मैं इस चिकन में ये कुछ ऑर्गेनिक मीट मसाला है एंड दिस इज वेरी गुड, सो मैं वो ऑर्गेनिक मीट मसाला, देन थोड़ा रेड चिली पाउडर, देन इसमें मैं थोड़ा लाइम दे रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा मैं ऑयल दूंगी। अगर आप थोड़ा ऑयल देंगे तो बहुत ही अच्छा मैरिनेट होता है, बिकॉज आई विल मेक इट वेरी ड्राई, लाइक आई एम मेकिंग इट लाइक ए चिकन रोस्ट, सो बहुत अच्छा लगता है। और मैं मैरिनेट पे रख दूंगी अभी इस चिकन को।
और मैं उसके साथ सोच रही हूँ कि एक बहुत ही लाइट चिकन पुलाव बनाओ। पता नहीं आप लोगों ने कितना जन ने सुना है, पर ये एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और मैं इसको बहुत ही लाइट तरीके से बनाऊंगी और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसमें थोड़ा पीस भी दे दूंगी, सोई राय और मैं मिलके, हम दोनों मिलके पीस को छील रहे हैं। सो चिकन पुलाव के लिए जब तेल गरम हो जाए तो इसमें मैंने तेज पत्ता और थोड़ा गरम मसाला, होल गरम मसाला मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा काजू भी ऐड किया है, ज्यादा नहीं। फिर अच्छी तरह से मैं सबको फ्राई कर लूंगी। और जब ये सब फ्राई हो जाए तो मैं इसमें अनियन दे दूंगी। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और जब ये अनियन अच्छी तरह से भुन जाए तब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट दे दूंगी और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और फिर इसमें थोड़ा ग्रीन चिलीज और फिर मैं चिकन ऐड कर लूंगी, पर इट विल बी लाइक ए वाइट होगा तो मैं इसमें कुछ भी, मैं आई वॉन्ट गिव एनी ड्राई रेड चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। और अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना है। फिर जब चिकन थोड़ा फ्राई हो जाए तो मैं अभी इसमें थोड़ा पीस ऐड कर दूंगी एंड देन मैं इसमें थोड़ा दही, दैट इज कर्ड, ऐड कर दूंगी। और ये सब आपको लाइक मीडियम फ्लेम में बनाना है। फिर थोड़ा टाइम ढक के रख दूंगी, अराउंड 10 मिनट्स। अभी मैं इसमें आफ्टर 10 मिनट्स में इसमें आई विल ऐड द राइस एंड देन आई विल ऐड सम ग्रीन चिली, थोड़ा गरम मसाला एंड आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ जायफल, दैट इज नटमेग। और ज्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा नटमेग दीजिएगा बिकॉज दिस विल ब्रिंग सच ए नाइस एरोमा टू द राइस। और मैं इसमें अभी पानी मैंने ऐड कर दिया है एंड देन आई विल कुक इट इन ए मीडियम फ्लेम। और बाय द टाइम मेरा राइस हो रहा है और अभी बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है एंड आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस। और मुझे पता है बहुत जन को बिग बॉस पसंद है और इस साल तो इट इज बिकमिंग लाइक वेरी फन, बहुत ही अभी गॉसिप चल रहा है और आज सलमान खान है एंड मुझे वो बहुत पसंद है। सो नाउ वही मैं काम करते करते आई एम वॉचिंग इट। आज बहुत लेट हो चुका है। सो व्हाइल माय राइस इज बीइंग कुक्ड लेट मी स्टार्ट मेकिंग द चिकन रोस्ट। और वो बहुत ही इजी है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट इन अ पैन आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल ऑन, आई एम यूजिंग मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो यू कैन यूज एनी ऑयल व्हिच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। सो व्हेन द ऑयल इज हॉट मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है। सो मैंने यहाँ अराउंड मुझे लगता है 6 cloves ऑफ गार्लिक लिया है एंड देन आई एडेड ग्रीन चिली और प्याज, अराउंड 1 onion मैंने चॉप किया था। और फिर हम लोग को अच्छी तरह से इसको भून लेना है, मिक्स कर देना है। सो जब ये अनियन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए At that point, I will add the chicken जो हम लोग ने मैरिनेट करके रखा था एंड मैंने शायद ये चिकन 1 hour तक मैरिनेट किया था। और फिर ये मैं कवर करके रख दूंगी इन मीडियम फ्लेम
and then after some time I will go and watch the chicken. और अभी मैं देखती हूँ मेरा राइस हो चुका है क्या. And yeah, मेरा राइस बिल्कुल रेडी है. और अगर आपने किसी ने नहीं बनाया है तो बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है ये खाने को. और मैं थोड़ा देखती हूँ मेरा चिकन कैसा. हाँ, जैसे चिकन से अभी पानी भी निकल चुका है तो वही वो मीडियम फ्लेम में मैं इसको स्लोली स्लोली लेट द चिकन कुक. वो अपने से कुक हो जाएगा और जब उसका पानी बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा देन दिस चिकन इज ऑलमोस्ट डन. ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और पर ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है. ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है. सो माई चिकन इज टोटली कुक्ड और मैं इसमें अभी थोड़ा सिलेंट्रो दैट इज धनिया पत्ता, थोड़ा लाइम जूस और अगर आप चाहे तो यू कैन ऐड मोर ग्रीन चिलीज. और ये बहुत ही ड्राई रेसिपी है और ये बहुत ईजी है, सिर्फ आपको मैरिनेट करके रखना है. और टुडे आई विल मेक ए फिश फ्राई. तो फिश फ्राई मैं थोड़ा अलग तरह से बनाऊंगी. सो मैं फिश को पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर थोड़ा रेड चिली पाउडर, फिर तंदूरी मसाला. अभी आपके पास कोई भी तंदूरी मसाला हो यू कैन यूज इट और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है अगर आप कोई भी तरह का फ्राई बनाएं और फिश फ्राई में बहुत अच्छा लगता है. एंड देन आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ बेसन. And then I will mix everything nicely all over the fish. और salt तो चाहिए और थोड़ा lime juice. और फिर अच्छी तरह से आपको mix कर लेना है. और ये ready हो चुका है fry के लिए. सो जब मेरा तेल गरम हो जाएगा देन आई विल ऐड द फिश. और ये भी आपको मीडियम फ्लेम में ही बनाना है. और मैं ये सब डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शैलो फ्राइंग इट. सो मेरा फिश फ्राई इज ऑलमोस्ट रेडी. वन साइड हो चुका है, नाउ आई हैव टू डू द अदर साइड. और मेरा ऑलमोस्ट सब काम खत्म हो चुका है. सो राय अभी अपने लिए बूंदी का रायता बना रही है एंड आई एम चॉपिंग सम सैलड्स. शी लाइक मेरी बेटी को बूंदी का रायता बहुत पसंद है, शी इज क्रेजी अबाउट इट. और आज वो खुद ही बना रही है, उसमें से ही खा रही है. बस हो चुका है, अभी मुझे जाके सिर्फ शावर लेना है. जब फिश फ्राई करते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाता है. तो वेन एवर आई डू इट मैं हर वक्त एक कैंडल जला लेती हूँ ताकि एटलीस्ट घर का थोड़ा स्मेल चला जाए. सो नाउ इट इज़ लंच टाइम. बहुत लेट हो चुका है पर ऐसा भी वी आर नॉट एट ऑल हंग्री क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट से ब्रेकफास्ट किया था. तो अभी हम लोग लंच कर लेंगे और आज हम लोग सोच रहे हैं कि इवनिंग को थोड़ा बाहर घूमने जाए. और फिर लंच खत्म होने के बाद थोड़ा टाइम राय अभी वायलिन प्रैक्टिस कर रही है बिकॉज वेन एवर यू लर्न म्यूजिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें और डेली प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है. सो उसके टीचर ने मुझे बोल के दिया है दैट डेली मेकर प्रैक्टिस एटलीस्ट 14 मिनट्स. सो अभी हम लोग जैसे टाइमर लेके बैठते कि नहीं 14 मिनट्स तो तुमको प्रैक्टिस करना ही है. और अभी हम लोग बाहर के लिए निकल रहे हैं थोड़ा. अभी वील गो टू सी फॉल. जैसे अभी पेड़ का कलर लाइक ट्रीज का कलर चेंज हो रहा है और ये परफेक्ट वेदर है क्योंकि ज़्यादा धूप रहे तो यू कैन सी एनी ऑफ द कलर. सो दिस इज द परफेक्ट कलर. और बारिश भी अभी लाइक ख़त्म हो चुका है. और अभी मेरे घर के नज़दीक ही एक डैम है. आई थिंक सो आई मेड वन वीडियो. सो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से फिर भी फॉल थोड़ा अच्छा दिखाई देता है.
और अभी देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. इट्स अ लवली डे. लाइक शाम तो बहुत लवली है. और अभी बहुत जन फॉल देखने आए यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है. पर फिर भी यहाँ पे इतना नहीं है. अगर हम लोग को लाइक वी हैव टू इफ यू वांट टू सी मोर फॉल तो हम लोग को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग. पर यार कभी कभी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेदर. एंड दैट्स इट. मेरा घूमना फिरना खत्म हो चुका है एंड नाउ हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं. पर मुझे कुछ ग्रॉसरी मुझे कुछ सामान खरीदना है घर के लिए. सो और ग्रॉसरी का स्टोर रास्ते में ही मिलेगा. सो वी वेंट देयर एंड मेनी ऑफ यू वेर आस्किंग मी कि वीक में मैं कितना टाइम ग्रॉसरी करती हूँ. सो आई ओनली डू वंस ए वीक. बट दिस वीक आई डिडंट गो टू द ग्रॉसरी स्टोर क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था. सो दिस इज हाउ हम लोग ने संडे स्पेंड किया. और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक बटन को हिट कीजिएगा और नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा. एंड दोज हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट्स इट फॉर टूडे एवरी वन. बाय.